दिस इज एक्सरसाइज 8B फ्रॉम योर बुक D3। हमने 8A कंप्लीट कर लिए। 8A के कुछ क्वेश्चंस हमने बुक में किए थे, कुछ क्वेश्चंस हमने कॉपी में किए हैं। 8A वाज ऑल अबाउट सोको। सोको मैंने तुम्हें बता दिया, साइन ऑफ ऑब्ट्यूस, एस फॉर साइन, ओ फॉर ऑब्ट्यूस, सी फॉर कोसाइन और ओ फॉर ऑब्ट्यूस। अब हम साइन एंड कोसाइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल को सोको बोलेंगे, ताकि जो है वो हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हमने जो 8A में हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी देखे किस तरह अप्लाई करते हैं, और फिर हमने सोको को भी अंडरस्टैंड किया कि सोको से किस तरह आप किसी ऑब्ट्यूस एंगल को अक्यूट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर अक्यूट एंगल है तो वो फिर डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट होगा, तो उसमें तो डायरेक्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज किए। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल था तो पहले हमने उसको अक्यूट में कन्वर्ट किया, और उसके बाद फिर हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके उनकी वैल्यूज निकाल ली डिजाइड। अब ये जो एक्सरसाइज है ना 8B, मैंने आपको बताया था कि वी आर स्टडिंग फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हमें जो है वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला भी समझना है। तो इस एक्सरसाइज में जो है ना वो हमें इट्स ऑल अबाउट एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हमारे पास एक प्रीवियस फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो कि इस तरह होता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमारे पास एक बेस होती थी और हमारे पास एक हाइट होती थी। हाइट कैसी होती थी? हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते थे। ज्यादातर ये फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज होता था, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट आती। प्रॉब्लम यह है कि सिंस वी आर डिस्कसिंग फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं आएगा, यहाँ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, जो आपके सामने यहाँ फिगर पे इधर बोर्ड पे बना हुआ है। तो दिस इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, इसको पहले लेबल देख लेते हैं। लेबल कैसे किया उसने, इस वाले वर्टेक्स को उसने ए बोला, दिस इज बी एंड दिस इज सी। हमें पता है कि ये वर्टेक्स अगर ए है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी दैट विल बी स्मॉल ए, ये वर्टेक्स बी है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल बी हो जाएगी, और ये वर्टेक्स सी है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल सी हो जाएगी। हमने अपने ट्राइंगल को लेबल कर दिया। अब फॉर्मूला ये कहता है कि इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, आप फॉर्मूला यूज करोगे, हाफ एग्जैक्टली आएगा जैसे जो है वो पुराने फॉर्मूले में आता था, दो साइड्स आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसने पहले फॉर्मूले में साइड ए और बी को लिया है। अगर वो साइड ए और बी को ले रहा है तो एंगल जो है ना इनके बीच का, इनके दरमियान का एंगल लेना है, जिसको हम इंक्लूडेड एंगल कहते थे। ये फॉर्मूले की लिमिटेशन है, आप उन्हीं दो साइड्स के बीच वाला एंगल लोगे। अगर आपने इंक्लूडेड एंगल नहीं लिया इस फॉर्मूले में तो ये आपका आंसर गलत दे देगा, और इस फॉर्मूले में सिर्फ साइन यूज होगा, कोसाइन नहीं आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल। ठीक है, अच्छा अब ये तुम्हें तीन फॉर्मूलाज यहाँ नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, इन्होंने लेबलिंग के हिसाब से तुम्हें जो है वो तीन फॉर्मूलाज लिख के दिखा दिए। पहला फॉर्मूला देखते हैं, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फॉर एग्जाम्पल उसने हमें साइड ए और बी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, साइड ए और बी अगर उसने दी हुई है तो हम एंगल यूज करेंगे सी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे साइड बी और सी दी हुई है, उसने मुझे साइड बी दी हुई है और सी दी हुई है, मैं एंगल कौन सा यूज करूंगा, एंगल ए यूज करूंगा। ठीक है, और हो सकता है कि वो मुझे किसी ट्राइंगल में साइड ए और सी दे दे, जब ए और सी देगा तो मैं एंगल कौन सा यूज करूंगा, बी यूज करूंगा। ठीक है ना, और हमेशा साइन आएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सेकेंड साइड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ये इस तरह का फॉर्मूला बना है, दोबारा रिपीट करता हूँ, हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सेकेंड साइड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो सिंस ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं, तो इसीलिए उसने ये आपको तीन फॉर्मूलाज लिख के दिखाए, तीनों फॉर्मूलाज बिल्कुल एक ही हैं। आप जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे भी लिखना फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सेकेंड साइड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो अब क्या करेंगे, हम हर क्वेश्चन में देखेंगे व्हाट आर द साइड्स गिवन, और जो साइड्स गिवन होंगी उनके दरमियान का अगर एंगल गिवन है तब हम ये फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम एरिया नहीं निकाल सकते, इसकी लिमिटेशन है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ इंक्लूडेड एंगल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको साइड बी और ए दिया हुआ है और एंगल ए दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ उसने यही चीज लिखी हुई है, यूज दिस इक्वेशन फॉर एरिया व्हेन वी नो टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम। SAS तुम्हें याद होगा, हमने जब कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलैरिटी किया था तो SAS हमारे पास एक टेस्ट था, साइड एंगल साइड, जबरदस्त। तो ये साइड एंगल साइड में ये जो एंगल था ना ए एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल कहलाता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह वाला इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है
जो दो साइड्स आपको गिवेन है उनके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। तो इस फॉर्मूले की भी यही लिमिटेशन है कि ये सिर्फ उसी वक्त यूज होगा व्हेन वी हैव टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब इंक्लूडेड एंगल होगा और टू साइड्स होंगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वरना नहीं। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं साथ मिलकर, वर्क एग्जाम्पल 4 ये आपकी बुक की है। ठीक है, इसको भी साथ साथ कॉपी करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में सिर्फ साइन आता है बस। ठीक है, तो साइन सी का मतलब है तुम साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल लिख लो या साइन एंगल लिख लो, जैसे तुम लिखना चाह रहे हो। बस सिर्फ ये याद रखना कि हम फॉर्मूले हमें याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जो है ना रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। जो दो साइड्स आपको गिवन है अगर उनके बीच का एंगल गिवन है देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। वर्कड एग्जाम्पल 4 देखते हैं। वर्कड एग्जाम्पल 4 में उसने मुझे बोला है फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन दैट साइड ए बी इज 9.8 सेंटीमीटर, साइड बी सी इज 12.4 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इज 43 डिग्रीज। उसने मुझे तीन चीजें दे दी हैं, उसने कहा है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल फाइंड आउट करो। ट्राइंगल को देख के मुझे समझ में आ गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे जो है वो साइन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन साइन वाले फॉर्मूले की लिमिटेशन है कि जो दो साइड्स गिवन हैं उनके बीच का एंगल अगर पता है देन आई कैन फाइंड आउट द एरिया, अदरवाइज आई कैन नॉट फाइंड आउट द एरिया। तो क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं? जो दो साइड्स आपको गिवन है उनके बीच का एंगल गिवन है, ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। चलो बस इसको जल्दी से हमने क्या किया, सॉल्यूशन में हमने लिखा कि हमने लेबल कर लिया, अगर ये वर्टेक्स ए है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। दिस इज वर्टेक्स बी तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल बी। ये सी तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 12.4 सेंटीमीटर। स्मॉल बी तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल सी, 9.8 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, एंगल बी दिया हुआ है जो कि इन दोनों के दरमियान है 43 डिग्रीज। सिर्फ एंगल सिर्फ जो है वो फॉर्मूला लिखा हाफ इंटू ए इंटू सी। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इंटू सी, क्योंकि ए साइड और सी साइड मुझे गिवन है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल 43। कैलकुलेटर यूज करो और जो है आंसर को वेरीफाई कर लो। इस एग्जाम्पल को कॉपी करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।